ओए आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाचिया कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए। अरे चली, तू नाच रही है या कूद रही है? ये सब तुम्हारा पाप है, और अगर तुम एक लफ्ज बोलोगे ना तो मैं कुएं में जाकर कूद जाऊंगी। अरे बाबा, कुएं में तो मुझे कूदना चाहिए तुम्हारे कारण। बोलो, इवेंट मैनेजमेंट का धंधा खोल दो। मेरे बोलने से क्या होता है? तुम्हारे पास अपनी अकल नहीं थी? देखो, हाँ, देखो तुम भी मेरे साथ। एक मिनट, आप झगड़ा बंद कीजिए, पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। संजू ने कहा कि पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। संजू कौन? संजय दत्त? नहीं, अपने सोसाइटी वाला संजू। इसमें हंसने की क्या बात है पापा? अरे बाबा, जब इतना बड़ा दीपू वासवानी कुछ नहीं कर सका तो वो छोटा संजू क्या करेगा? जो भी करे, बस हमें नाचने से बचा ले। हाँ, खाने की चीजें बनाता हूँ, समोसा बनाता हूँ। वाओ, अब समोसे तो आ गए, अब क्या बनाऊं? हाँ, फिश फ्राई। ओह गॉड, मैंने तो फ्राई फिश मंगाई थी, ये ओरिजिनल फिश कहाँ से आ गई? अरे संजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं वो दीपू अंकल को हेल्प कर रहा था। अच्छा सुन, तूने केटरर को देखा क्या कहीं? हाँ, मैंने उसे बाजार जाते हुए देखा था। अच्छा ठीक है। अरे, ये समोसे तैयार हो गए क्या? हाँ आंटी, आप टेस्ट करोगी? हाँ। इतनी मिर्ची, बच्चे तो खा ही नहीं पाएंगे। कहाँ है वो केटरर? आंटी, मैं उसे बता दूंगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं बहुत जल्दी में हूँ। सुनो, केटर से कहना कि खाने में मिर्ची कम डाले, और हाँ, तंदूरी चिकन को अच्छी तरह से भून ले, और हाँ, पुलाव में ड्राई फ्रूट्स भरपूर होने चाहिए, और गाजर का हलवा मलाई में होना चाहिए। प्लीज, तुम कह दोगे ना? हाँ आंटी। ओके संजू, बाय। इतने स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के साथ मैं खाना कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? मेरे पास तो सिर्फ एक पेंसिल है, फास्ट ऑर्डर का कुक नहीं। हाँ, एक कुक बनाता हूँ। कुक, यस सर। एक मिनट, ये दीपू अंकल दी हुई लिस्ट, ये सब खाना बनाना है। ये सब चाहिए क्या है? 20 किलो मैदा, 5 किलो गाजर और 3 किलो मलाई। पर मैं मैदा का ड्राइंग कैसे बनाऊं? और मलाई का ड्राइंग तो मैं बना ही नहीं सकता। अरे बाबा संजू, तू यहाँ बैठा है, अरे खाने का क्या हुआ? शरद दादा मेरे को खा लेगा। अंकल, कुक तो आ गया है। अरे बाबा, कुक आ गया है तो फिर खाना क्यों नहीं बना? मुहूर्त का वेट कर रहा है? नहीं अंकल, उसे ये सब चीजें चाहिए। अरे बाबा, तो मुझे दो लिस्ट, मैं ले आता हूँ। अरे बाबा, तुम क्या कर रहे हो? चलो। ये सब मुझे क्यों नहीं सूझा? अब क्या करूं? डेकोरेशन का सामान बनाता हूं। सबसे पहले कलर रिबन। हमेशा उल्टा काम। बलून्स बनाता हूं। अब आएगा पार्टी का। वेरी गुड डेकोरेशन है ए जग्गू ऑन गमला। अरे इतना लेट, चलो ना भाई, चलो चलो। क्या बात है शरद भाई, बिल्कुल दलेर लग रहे हो। बिल्कुल गबरू जवान हैं ये। गोबर गॉगल, गोबर गोल्ड चेन, गोबर शर्ट, एकदम हमारा पप्पीदा की तरह लगता है। एकदम आई एम अ डिस्को डांसर। किसका नाम ले रहे लड्डू? अगर गोविंदा का नाम लेता तभी भी बात समझ में आती। मेरे को किधर पहुंचा रहे लड्डू?
और आज ना आप उनको स्टेज पर जाकर भाषण देने का पहली बार। गुड गुड या। और सुनो भाई, इस उम्र में बहुत अच्छा नाचता है तुम। हाँ, तेरे को बाद में नचाएगा। तू जानता है कि मैं कौन है? कुछ कौन? मिया ए स्ट्रीट डांसर, मिया ए स्ट्रीट डांसर। बगा होता है ना। हेलो अभी शुरू करता हूं मैं। भाई लोग और वहीनी लोग, जैसे कि तुम लोग अपना कीमती वक्त बर्बाद करके अपुन का बच्चा है ना जग्गू की हैप्पी बर्थडे पार्टी में आए लोग, ऐसी एकता हमेशा होनी चाहिए ना। ए भाई खत्म नहीं हुआ, बोलने तो देना, जब बोलेगा तब ताली मारना। मैं और मेरी बीवी आप लोग सबका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, और अंग्रेजी में वो क्या बोलते हैं, थैंक यू। ताली मारो ना भाई। चलो अभी शुरू करो। दीपक अंकल आप जाइए स्टेज पर और अनाउंस करिए कि जादूगर डम डम आ रहे। अरे बाबा पागल हो गया क्या? अगर वो जादूगर डम डम नहीं आया तो शरद दादा मेरा डम डम डीका बजा देगा। नहीं नहीं, आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना? अरे बाबा कोई चारा भी नहीं है तो जाइए। अमर भाई का नहीं ना? नहीं जाइए। जाइए भाइयों और करुणा की मम्मी को छोड़कर बाकी बहनों और प्यारे बच्चों आपके सामने आने वाले हैं वर्ल्ड फेमस इन इंडिया जादूगर डम डम। क्यों बेटा मुझे बुलाया? हाँ अंकल चलो आपके शो का वक्त हो रहा है। हाँ चलिए चलो चलो। नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्ते और प्यारे बच्चों। ओके किसका बर्थडे है आज? अरे जग्गू मेरे बेटे का। जग्गू का बर्थडे? वाओ वाओ, एक मिनट एक मिनट, ये देखिए। अब देखिए जादूगर दमदम का कमाल, एक अनोखा जादू मैं दिखाने वाला हूँ। कोई भी एक भाई साहब यहाँ पर आइए स्टेज पर, मैं उसके बाल गायब करने वाला हूँ। जा 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 हम आएंगे। कोठाय जाचे तुम्ही? कोठाय? इखाने बैठ बूशो। क्या नो? बाल नहीं आया तो। तो अच्छा होएंगे ना, सुबह शाम तुम हमारा बाल तो नहीं नोच पाएंगे। आई 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 तालियां। आपके सुंदर बाल देखिए मैं गायब करने वाला हूं। एक दो हैंड थ्री। अब मेरे बाल वापस लेकर आओ ना भाई। अरे किधर गया सिंधी भाई? जरा इधर आना। अरे इधर आना भाई। हाँ जरा आ जाओ इधर। किधर गया तुमने देखा? नहीं वो मैंने नहीं। मेरे बाल वापस लेकर आ, बोलना उसको। अरे किधर बोलूं मुझे बैग? तू ही लाया था ना उसको? हाँ मेरे बाल नहीं आएंगे तेरी तो। क्यों मुझे फिर से बुलाया? अरे आपने शरद अंकल को गंजा कर दिया, अब उनके बाल वापस लाओ नहीं तो दीपू अंकल को मार डालेंगे। तो मार डालेगा हम। अरे अरे मेरे मेरे बाल वापस लेकर आओ भाई। वन टू और तीन।
अगर तुम नहीं होते तो ये सब कुछ भी मुमकिन नहीं था। और वैसे भी ये सब करुणा के लिए तो करना ही था ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।